चढ़ाई ले आता है। मैं चाहता हूँ आप अपने पास वाले से कहिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है, बस आपको परमेश्वर से प्रेम करने की जरूरत है। अभी हम लोग सोचते हैं कि प्यार क्या होता है। बचपन में हम लड़कियों को एक पेपर पे दिल छाप के देते थे, उसमें तीर डालते थे, देखा होगा आपने से एरो होता था, हमें लगता था वो प्यार है। कहिए वो प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं है। हाँ, कभी कभी कुछ लोग किसी को कह लेते हैं मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आई लव यू बोलते हैं ना। हमारे चर्च में एक बहन है, वो कहती है कि इन्होंने मुझे प्रपोज किया, उसका लव मैरिज हुआ था, तो वो कहती है इन्होंने मुझे कहा था कि तू मेरे लिए सूर्यमुखी है। मैंने कहा दीदी अभी क्या बोलते है? बोलते ज्वालामुखी। ये जो आज दुनिया कर रही है ना वो प्यार नहीं है, उसे इंग्लिश में कहते हैं अट्रैक्शन, हिंदी में कहेंगे आकर्षण। हम आकर्षित होते हैं और हमें लगता है ये प्यार है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये आकर्षण है, ये हर एक के अंदर होता है। कई बार जब लड़के खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि बस मुझे यही चाहिए, और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद प्रभु को कहते हैं क्यों दी है ना। कई सारी लड़कियां, किसी ने कहा प्यार अंधा होता है और शादी आंखें खोल देती है, और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। तो ये सारे प्यार प्यार नहीं होते। हमारे परमेश्वर के वचन में लिखा है एक्चुअली प्यार क्या होता है। यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा मानते हैं। आमेन। प्यार क्या है? ये आज्ञा मानना, आज्ञा मानना। बोलिए प्यार ये करना नहीं है। बाजू वाले को करके देखो। पहले आजकल पता नहीं क्या करते पागल। समझ नहीं आता मुझे। प्यार ये नहीं है। यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो जो मैं कहता हूँ तुम वो करोगे। The, what is the meaning of love? The love. प्यार क्या है? आज्ञा पालन है। जो जिससे प्रेम करता है वो उसकी